अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। आज जो मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसका ब्रांड नेम है लिन जार्डी, और ये इसकी पोटेंसी जो अवेलेबल है मार्केट में वो है 5/10 और 5/25। ये न्यूली लॉन्च्ड मेडिसिन है फॉर डायबिटीज़, और ये जो है इसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो इसमें लीनाग्लिप्टिन है 5 mg दोनों पोटेंसीज में, और एम्पाक्लिफ्लोजिन है 10 mg और 25 mg। ये बेसिकली जो है अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि एम्पाक्लिफ्लोजिन जो है वो SGLT2 इनहिबिटर है, जबकि लीनाग्लिप्टिन जो है वो लाइक सीटाग्लिप्टिन DPP-4 एंजाइम इनहिबिटर है। ये दोनों जो मेडिसन्स हैं डायबिटीज़ के लिए कॉम्बिनेशन में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई है, और जो CCL है इसके अलावा हिल्टन है उसने इसकी कॉम्बिनेशन में ये दो ब्रांड्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। ये दोनों मेडिसन्स का कॉम्बिनेशन जो है वो प्रेस्क्राइब किया जा रहा है आजकल डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 के अगेंस्ट, और इसके साथ साथ आपको डाइट और एक्सरसाइज के साथ ये मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब की जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी डोजेज फॉर्म क्या है, क्या रिकमेंड की जा रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी वंस अ डे जो है वो डोज है 5/10 mg, ये ज़्यादा रिकमेंड की जा रही है ऐसे तमाम पेशेंट्स जो जिनमें बाकी जो एंटी हाइपोग्लासेमिक एजेंट्स हैं उनसे रिस्पांस नहीं आ रहा, तो एक जो गोली है वो आपने सुबह नाश्ते से पहले लेनी है। अगर आप उसको टॉलरेट कर लेते हैं ठीक है, तो इसके बाद उसकी डोज़ जो है 5/25 की एक गोली भी तक बढ़ाई जा सकती है। और ये किन पेशेंट्स को दी जाती है, ऐसे तमाम पेशेंट्स जिनमें रीनल फंक्शन उनका रीनल जो RFTs वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई इशू नहीं है ठीक है, यूरिया क्रिएटिनिन वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल आ रही हैं, वो ये ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ये मेडिसिन लेने के दौरान उन्हें ये रिकमेंड किया जाता है कि वो अपना रूटीन में RFT जो है वो करवाते रहें, क्योंकि ये जो है मेडिसिन वो थोड़ा सा RFT को आपका जो है रीनल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसको जो है आपने किस मेडिसिन के साथ नहीं लेना है, आपने इस मेडिसिन को लिन जार्डी जब ले रहे हैं